का डेली शो। टीचर महिला कैसा है आप लोग? साला ठीक ही होगा, टीवी में से कौन जवाब देने वाला है? क्योंकि जवाब तो तब देगा ना जब मेरा शो देखेगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल लोग कोई और दूसरा शो भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनल देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम की न्यूज चल रही है। वैसे कॉमनवेल्थ गेम और इस शो में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं बॉस। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने से मना करते हैं, वहां पे बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आने से मना कर रहे हैं। वहां गेम्स विलेज में चलती हैं, हर जगह कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं, और यहां नहीं तेरे को नहीं बोल रहा हूं चला, वहां हर जगह पॉटी पॉटी पड़ी हुई है, और यहां जितने भी लोग आते हैं मेरे ऊपर पॉटी करके चले जाते हैं। और ये साला सब पोटी लोग को तो ये घर लेके जाता है। क्या करूं जाने दो। वहां कलमाड़ी है जो पूरा पैसा खा गया है, और यहां मेरा प्रोड्यूसर है जो मेरा पूरा पैसा खा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। वहां गेम शुरू होने में दो चार दिन बचे हैं और तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, और यहां मेरा शो खत्म होने में दो चार दिन बचे हैं और आज तक मेरी तैयारी कभी पूरी नहीं हुई। और बॉस सबसे बड़ी सिमिलैरिटी बताऊं, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जो भी आ रहा है उससे पूरा देश शर्मिंदा है, और यहां कॉमेडी शो के नाम पर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उससे भी पूरा देश शर्मिंदा है। शायद इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स वाले मेरे से इतने इंप्रेस हो गए हैं कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे यहां सारे खिलाड़ी आने से मना कर रहे हैं, हो सके तो दो चार खिलाड़ी तुम भी हमारे लिए ढूंढ के भेज दो। शायद अब तक उन्हें पता चल चुका है कि साला हमारे शो में सब फालतू लोग ही आते हैं। क्यों सुरेंद्र, फालतू से तू मुझे याद आता है हमेशा। लेकिन खिलाड़ी कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजने की बजाय भैया हमको बॉर्डर पे भेज दो, वहां इससे ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। साला कहां से लाऊं खिलाड़ी यार सुरेंद्र? सला सामने से आ गया तू? साले मैं इंडियन प्लेयर हूँ, पड़ोसी देश का सैनिक थोड़ी से पीछे से आऊंगा। साला मेरा मतलब है कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेने के लिए तू सामने से आ गया। अबे साले कलमाड़ी अपना पीछे से हिस्सा ले गया, मैं सामने से नहीं ले सकता। सामने से नहीं ले सकता? ये आवाज सुरेंद्र किधर सुनी सुनाई लगती है मेरे को। मैं बताता हूँ, मैं थप्पड़ मारना, ये सुना सुना लग रहा है? नहीं लगेगा। मैं बताता क्यों कमीने, साले अब तक ये मेरे थप्पड़ मारता रहता था, और मैं थप्पड़ खा के तुझे फेमस कर दिया, और तू साले एक शो मिल गया तो मुझे भूल गया। सुदेश जी आप? अरे सुदेश जी आए, लेकिन ये शेखर सुमन क्यों बन के आए हो? नहीं मेरा मतलब इतना जवान बन के कैसे आ गए आप यहाँ पे? मैं बताता हूँ यार, चक्कर क्या, देख तेरे को तो शो मिल गया। हाँ। यार मेरे को भी तो फेमस होना है ना। हाँ। मैंने कहा यार देख, मैंने ठान लिया मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाऊंगा। हाँ। बस वो एक्सरसाइज कर करके ऐसा हो गया। खैर ये बताइए आपको, आपका कौन से गेम में सिलेक्शन हुआ है? यार मेरे को पहले ले नहीं रहे थे, मैंने कहा यार मैं हाई जंप में गया फिर। अच्छा, कहते तुम्हें ना कितना ऊंचा कूद सकते ये बताओ। हाँ। मैंने कहा यार मेरे को तीसरे माले से कूदा तो कूद जाऊंगा। कहते नहीं हमें ना जमीन से ऊपर कूदवाना है। हाँ। मैंने कहा फिर तुम लोग बेवकूफ हो, तुमने गेम का नाम गलत रखा है, भाई हाई जंप पे जंप कहीं से हाई से मरवाओ। बिल्कुल सही बोला। तो ये बताओ और कोई खेल ट्राई किया आपने? मैं उसके लिए भी गया था, वो बैडमिंटन होता है ना। हाँ हाँ। मैं गया अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, काय को बिस्तर साथ ले गया। अच्छा। कहते इसे बाहर छोड़े, मैंने कहा क्यों, मैं बैड ना लेके जाऊंगा तो बैडमिंटन कैसे खेलूंगा? पागल के बच्चे मेरे को धक्के दे देंगे बाहर निकाला है। वो क्या है ना, आपका बिस्तर बहुत साफ होगा क्योंकि वहाँ अभी एक बिस्तर की फोटो आई है, ऐसा लगता है कि बिस्तर नहीं है किसी छोटे बच्चे का डायपर है। अच्छा ये बताओ कि और कोई खेल खेलोगे आप? यार मैं सांप सीढ़ी खेलूंगा।
क्या बकवास कर रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अगर गिटी फेंकता हूँ ना, छक्के के अलावा कोई नंबर नहीं आता। अबे कथे, अबे कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई सीढ़ी बीढ़ी नहीं होती, वहाँ तो ये लोग ब्रिज बनवाते हैं और लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। यार देख, ये तो यार बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। वैसे बड़े से याद आया यार, मैंने सुना वो कॉमनवेल्थ में वो भी हैं जो होते हैं जापानी सुमो यार। यार मेरे को मिलवा दे, मैं उनके साथ कुश्ती करूंगा। अरे उन्हें कुश्ती खेलने के लिए नहीं बुलवाया जाता, वो क्या है कि दिल्ली में बरसात बहुत आ रही है ना, तो वो रस्ते बहुत उबड़ खबड़ हो गए, तो उनको रस्तों पे ऐसे चलवाते हैं सड़क प्लेन करने के लिए। आपको निशानेबाजी आती है कि नहीं? निशाने की बात ज्यादा क्या ना, एक्चुअली क्या होता है, देख यार मेरा ना निशाना बड़ा खराब है। वो एक बार मैं वो खेलने गया था, वो गुब्बारे फोड़ने, गुब्बारे फूटे नहीं, गुब्बारे वाली आंख फूट गई। बस यार तब से थोड़ा निशाने खराब हो गए यार, मैं थोड़ा डरता हूँ निशाने निशाने लगाने से। तो मुझे पता है आपका निशाना खराब है, वो आपके बेटे को देखकर पता चल जाता है। नहीं अच्छा ये बताइए कि आपको तैरना वैरना आता है कि नहीं? तो यार मैं ऐसी कैसी बात कर रहा है, मैं अपने मेरे गांव में मैं इतनी नदियों में तैरा हूँ ना, मेरे को बता यार फिर तू क्या तैरवाना चाहता है मेरे को? अरे मैं गेम में तैरने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या है ना, कल जू बीच पर गया था मैं एक लड़की के साथ, वो मेरा 2 रुपया गिर गया वहाँ पे समुंदर में। यार वो जरा ढूंढ दो ना मेरे लिए। यार देख तू मेरा टाइम मत बर्बाद कर यार। अरे लहरी जी मैं तो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन ये कलमाड़ी जैसे जो लोग हैं ना, ये हमारे देश की इज्जत पैसा और सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। इतने लंबे लंबे पॉज ना लो, पीछे मुड़ जवान सूद्या भाग इधर से। साला इसकी माँ की आंख, ये कॉमनवेल्थ की माँ का घोसला है। ये छोड़िए दोस्तों, अब जो आपके सामने आने वाली है वो डेली सोप का हिस्सा नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लिए कॉमेडी के डेली डोज का हिस्सा जरूर बन गई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सलोनी का। ये क्या बचकानी हरकत है।